जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है बीकानेर से बिलासपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस की। आज इस ट्रेन की पूरी जानकारी, जैसे ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पे ठहरती है और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, जानेंगे इन सब की पूरी जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रेल नॉलेज। दोस्तों बीकानेर से बिलासपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 18246, इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस ट्रेन को शुरू किया गया था 4 फरवरी 2016 को। यह ट्रेन राजस्थान के बीकानेर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जोड़ती है, जो चार राज्यों से गुजरती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन बीकानेर से बिलासपुर की कुल रेल यात्रा 1884 किलोमीटर को तय करती है लगभग 36 घंटे और 30 मिनट में। इस दौरान इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 52 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करता है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलने वाली बाई वीकली ट्रेन है, जो हर रविवार और मंगलवार को रात्रि सुबह बीकानेर से रवाना होकर हर सोमवार और बुधवार को बिलासपुर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के 35 स्टेशन रहते हैं और यह एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB श्रेणी के 24 कोच लगते हैं, जिसमें AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। और अगर बीकानेर से बिलासपुर तक इन सभी कोचेस के हम किराए की बात करें तो इसमें AC 2 टायर के 3 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 2810 रुपये। AC 3 टायर के भी इसमें 3 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 1935 रुपये। इन दोनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के इसमें 10 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 730 रुपये। इसमें GST तो नहीं लगता, परंतु बाकी के सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। और सामान्य क्लास के इसमें 6 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 395 रुपये। यह किराया दोस्तों बीकानेर से बिलासपुर तक का बताया गया है, जिसमें समय के साथ परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले इस किराए को एक बार आप जांच अवश्य लें। कैटरिंग संबंधी सुविधाओं में इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग मिल जाएगी। इस ट्रेन को बीकानेर से सवाई माधोपुर जंक्शन तक भगत की कोठी लोको शेड के WDP 4, WDP 4B या फिर WDP 4D, इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। और सवाई माधोपुर जंक्शन से बिलासपुर तक इसे बिलाई लोको शेड का WEB 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को विस्तार से देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों हर रविवार और मंगलवार को रात्रि सुबह 12:10 पर बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। और दोस्तों बीकानेर जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है देशनोक। रात के 12:36 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद रात के 12:38 पर यह ट्रेन देशनोक से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नोखा रात के 1:05 पर और 1:07 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है नागौर रात के 1:45 पर और 1:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है डेगाना जंक्शन सुबह के 4 बजे और 4:03 पर यह ट्रेन डेगाना जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है मकराना जंक्शन सुबह के 5:20 पर और 5:23 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है कुचामन सिटी सुबह के 5:37 पर और 5:39 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है फुलेरा जंक्शन सुबह के 6:45 पर और 6:47 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है
वो है जयपुर जंक्शन। सुबह के 7:35 पर यह ट्रेन पहुंचती है जयपुर जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 7:45 पर यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। जयपुर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 380 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दुर्गापुरा सुबह के 7:53 पर और 7:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बनस्थली निवाई सुबह के 8:36 पर और 8:37 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सवाई माधोपुर जंक्शन सुबह के 10:10 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 10:20 पर यह ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 510 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेन के लोको वरेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं और यहाँ पर इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता है, इसमें डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी सुबह के 10:48 पर और 10:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है कोटा जंक्शन सुबह के 11:40 पर और 11:50 पर यह ट्रेन कोटा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भवानी मंडी दोपहर के 1:08 पर और 1:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है श्यामगढ़ दोपहर के 1:38 पर और 1:40 पर यह ट्रेन श्यामगढ़ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश के सुवासरा में दोपहर के 1:53 पर और 1:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है विक्रमगढ़ आलोट दोपहर के 2:58 पर और दोपहर के 3 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है नागदा जंक्शन शाम के 4:10 पर और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद शाम के 4:35 पर यह ट्रेन नागदा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इस ट्रेन के लोको वरेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुँचती है उज्जैन जंक्शन शाम के 5:40 पर और 5:45 पर यह ट्रेन उज्जैन जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 900 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बेरछा शाम के 6:46 पर और 6:48 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सुजालपुर शाम के 7:21 पर और 7:23 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सीहोर शाम के 7:56 पर और 7:58 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है भोपाल जंक्शन। रात के 9:26 पर यह ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात के 9:36 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हबीबगंज रात के 9:52 पर और 9:54 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन रात के 12:01 पर और करीबन 9 मिनट ठहरने के बाद रात के 12:10 पर यह ट्रेन इटारसी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पांडुरना रात के 2:44 पर और 2:46 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन में सुबह के 4:50 पर और सुबह के 5:10 पर यह ट्रेन नागपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 20 मिनट का स्टॉपेज है। नागपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1470 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन के लोको वरेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुँचती है गोंदिया जंक्शन सुबह के 7:21 पर और 7:23 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुबह के 8:49 पर और 8:51 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है दुर्ग जंक्शन सुबह के 9:40 पर और 9:45 पर यह ट्रेन दुर्ग जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है भिलाई पावर हाउस
सुबह के 9:54 पर और 9:56 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, फिर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है रायपुर जंक्शन सुबह के 10:30 पर और 10:40 पर यह ट्रेन रायपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, फिर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। रायपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1775 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बाटापारा सुबह के 11:38 पर और 11:40 पर यह ट्रेन बाटापारा से भी रवाना हो जाती है, फिर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जंक्शन। दोपहर के 12:45 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1884 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी बीकानेर से बिलासपुर तक जाने वाली ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।